OnePlus के ओर से बीते दिनों अफोर्डेबल प्राइस में OnePlus Nord लॉन्च किया गया है। कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुका है कि इस OnePlus Nord के अलावा और भी सस्ते फोन लॉन्च किया जाएगा जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस अपकमिंग OnePlus फोन सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। OnePlus ने कुछ दिन पहले अफोर्डेबल प्राइस पर OnePlus Nord लॉन्च किया था। कंपनी इससे भी सस्ता फोन लाने को तैयार है। OnePlus अपने Nord सीरीज में और भी सस्ते स्मार्टफोन लेकर आएगा एंड ये कंफर्म हो चुका है। OnePlus Nord 2 और OnePlus Nord Lite का नाम सामने आ रहा है और ये पिछले कुछ साल में लॉन्च सबसे सस्ता OnePlus फोन हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि OnePlus इसमें 5G कनेक्टिविटी के साथ 6 कैमरा सेंसर भी दे सकता है। OnePlus के ऑक्सीजन OS में नया डिवाइस से जुड़े कोड मिला है और फोन का कोड नेम बिल्ली सामने आया है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 690 चिपसेट दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी इसको कम कीमत पर उतारने वाला है। भले ही नया फोन परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन 765 वाले नॉट से कम है, लेकिन इसमें 5G कनेक्टिविटी यूजर्स को मिलेगा। नया फोन में OnePlus 6GB का रैम दे सकता है, लेकिन इसके कई वेरिएंट्स लॉन्च के वक्त उतारे जाएंगे, ये लगाया जा रहा है। साथ ही क्लोवर कोडनेम वाला एक फोन भी सामने आया है जिसमें 4GB रैम के साथ स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिखा जाएगा। डिजाइन के मामले में OnePlus का नया फोन Nord जैसा हो सकता है। इसमें कैमरा फोन के लेफ्ट साइड में दिया जाएगा, ऐसा अभी माना जा रहा है। नया डिवाइस क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है, लीक्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है। हालांकि ये भी सामने आया है कि नया Nord 2 और Nord Lite जो भी नाम होगा उसमें 30 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके जगह 18 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। नया OnePlus डिवाइस की कीमत का अंदाज हाल ही में लॉन्च OnePlus Nord से लगाया जा सकता है। Nord को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में 24,999 रुपीस रखा गया है, लेकिन जो नया फ़ोन होगा उसका प्राइस 18,000 से 20,000 के आसपास हो सकता है। और ये भी कंफर्म हुआ कि US की मार्केट में भी OnePlus इसको लॉन्च करेगा। हालांकि OnePlus Nord को US में लॉन्च नहीं किया गया था, लेकिन इंडिया में हम लोगों को OnePlus Nord देखने को मिला था और OnePlus का नया फ़ोन भी देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आया है। अगर कोई भी अपडेट आता है तो उसके बारे में आपको हमारे चैनल में पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोगों का इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हम लोगों का वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।